गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो है टॉपिक वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है, टर्मिनल प्लेट के बारे में। आपको एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चन मिलता है यहाँ पर कि द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए टर्मिनल प्लेट ऑफ इंडक्शन मोटर इज शो इन फिगर टू। ये फिगर वन है और ये फिगर टू है, ठीक है। फिगर टू, ड्रॉ द फॉलोइंग फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। ये चीज़ बनानी। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर ये चीज़ गिवन नहीं है कि आपको ये फर्स्ट एंगल में बनाना है कि थर्ड एंगल में बनाना है, ठीक है। ये चीज़ गिवन नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं फर्स्ट या थर्ड एंगल में, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये है डायग्राम, ये डायग्राम है और यहाँ पर ये जो डिटेल दे रखी है यहाँ के लिए दे रखी है, जो कि यहाँ पर लगेगी, और ये जो डिटेल दे रखी है इनके लिए दे रखी है हर चीज़। तो हम चलिए सबसे पहले ये बनाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 44 है, और 44 का हम हाफ भी लेंगे साथ साथ, ठीक है। तो हमें ये लाइन बनानी है, तो हमने यहाँ पर डॉट लगाया। सबसे पहले एक जगह पर डॉट लगा लिया, एक रेफरेंस लाइन ले गए। टोटल डिस्टेंस जो गिवन है हमें वो है 44, तो हमने यहाँ पर लगा लिया 44 पे डॉट लगा लिया, और लाइट लाइन रखेंगे, डार्क नहीं करेंगे, और साथ साथ हमने लगा लिया 22 पे डॉट, ठीक है। और ड्राफ्टर अगर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, स्केल भी ठीक है अगर, तब हम यहाँ पर ऐसे करके एक सेंटर लाइन ले लेंगे। और माय डियर, सेंटर लाइन जो हमेशा एक डैश बड़ा होता है एक छोटा होता है, 60-70% इसमें गलती करते हैं बच्चे के, सेंटर लाइन सही से नहीं लेते, तो ये बड़ा होता है ये छोटा डैश होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देन अब हमने 44 भी ले लिया है, 44 के अंदर जो हमें लेना है वो है 34 का हम हाफ लेंगे। अब यहाँ पर 17 और 17 इधर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रखेंगे 15, 16 और 17, 17 × 34, तो यहाँ पर हम ऐसे करके रख सकते हैं। हम 18 पे रखेंगे क्योंकि यहाँ पर ड्राफ्टर में थोड़ा सा एरर है, ये रखा हमने यहाँ पर, ये आ गया 17 और 17 × 34। ये हमने दोनों तरफ से डॉट लगा लिया, इसके अंदर ऊपर की तरफ अब यहाँ पर देख रहे हैं हम, ठीक है। ये चीज़ देख रहे हैं 5 mm गिवन है हमें यहाँ पर, तो हाइट है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, हम चाहें तो 17 यहाँ से ले सकते हैं, ऐसे 4 से रखा 10, 15, 16 और 17, यह आ गया 17 पे डॉट, और यहाँ से हमने लिया 5 mm ऊपर, तो ये आ गया 5 mm ऊपर। यही प्रोसेस हम इधर करेंगे, ये आ गया 5 mm ऊपर, और इन दोनों को ज्वाइन करवा देंगे क्योंकि यहाँ पर ये लाइन ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। तो ये चीज़ हमने ऐसे करके ज्वाइन करवा लिया। तो पहले हमने बेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे 44 बोला गया था, तो इसको भी डार्क कर लेंगे साथ साथ, इस हिस्से को 44 तक, ओनली 44 तक, और इस हिस्से को भी डार्क कर लेंगे। ये चीज़ हमने डार्क कर ली। अब जो हमें हाइट गिवन है यहाँ पर 15 mm गिवन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंदर की तरफ रखकर 15 mm इधर लेंगे और 15 mm इधर लेंगे, और यहाँ पर रखकर हम टोटल 44 लेंगे, तो यानी कि 22 इधर आ जाएगा और 22 इधर आ जाएगा, ताकि हमें एक रेफरेंस पॉइंट प्रॉपर मिल जाए। और 15 mm तक की ये हाइट आ गई, और यहाँ से रखते हुए 15 mm तक की ये हाइट आ गई। अब जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से डायरेक्ट ज्वाइन करवा दो, तो हम भी यही करते हैं, यही प्रोसेस करेंगे, ठीक है। ये आ गया है। अब यहाँ पर हमने ये वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। अब हमें बात करनी है यहाँ पर, आर जो है यहाँ पर गिवन नहीं है, बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आर ऑलरेडी दे रखा है, 8 है, यानी कि 44 से 8 इधर रखना है और 8 इधर रखना है। इस चीज़ का याद रखना है कि आर यहाँ पर गिवन नहीं है, 8 इधर है, यहाँ पर 8 mm इधर है और 8 mm इधर है। ये आउटर के लिए रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर दे रखा है डाया 2 होल डाया 10, यानी कि 2 होल हैं, 1 और 2, अंदर वाले होल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जिसका डाया है 10, यानी कि 5 mm इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। और टॉप और डाया 6 ड्रिल है, यानी कि इसके अंदर क्या कह रहा है कि ऊपर तो जो है डाया इसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा होल जो है इसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 होल हैं। ऊपर की तरफ होल जो है डाया 10 का है, बट उसके अंदर जाके होल थोड़ा छोटा हो जा रहा है, जिसका डाया 6 है। तो चलिए पहले हम 8 वाले को बना लेते हैं। यहाँ से ये रखा हमने यहाँ पर, 10 पे ये आ जाता है, तो 2 mm कम कर देते हैं यहाँ पर, 2 mm हमने कम करके डॉट लगा लिया, और यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन करवा लिया इससे। यही प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे कि 8 mm एक्स्ट्रा ले जाकर इससे ज्वाइन करवा लेंगे, और यहाँ पर ये चीज़, तो 8 mm इधर आ गई। यही प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे हम, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 8 mm यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, 8 mm यहाँ पर ले लेंगे, और इन दोनों को आपस में
ज्वाइन करवा लेंगे कुछ ऐसे। तो ये अभी तक डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तो हमने ये हिस्सा भी कवर कर लिया है दोनों तरफ से, ठीक है। अब जो इसके अंदर होल है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले 10 का है, देन फिर 6 का है। अब यहाँ पर डीप जो है, जो गहराई होती है वो गिवन नहीं है, तो वो गिवन हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि 5 है। ये देखेंगे, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है इतने पोर्शन को। डाया 10 ऊपर है, डाया 6 नीचे है, पर ये गहराई जो है 5 mm है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें नॉर्मली लेना है, और साथ साथ हमें ये भी गिवन है कि इसका जो डिस्टेंस है, जो ये हमारी बाउंड्री है, यहाँ पर देखेंगे ये है 3 mm गिवन है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं 3 mm गिवन है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, इस वाली लाइन से 3 mm यहाँ पर लेना है, 1, 2 and 3। ये ले लिया, यही प्रोसेस हम यहाँ पर लेंगे 1, 2 and 3। दोनों तरफ 3, 3 mm लेकर अब यहाँ पर हम एक सेंटर लाइन ले लेंगे, यही प्रोसेस इधर करेंगे, ठीक है। 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, बोथ साइड 3, 3 लेकर अब ऐसे ले लेंगे, ठीक है। ये आ गई सेंटर लाइन, बोथ साइड पे आ गई। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये 3 लेने के बाद अब हम ऊपर से 5 mm पे डॉट लगा लेंगे। तो ये आ गया 5 mm पे डॉट। अब माय डियर, जो चीज़ जैसी दिखेगी डिट्टो वैसी बनानी है, क्योंकि सर्कल ऐसे ही दिखता है, हिडन में दिखाई देगा वो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम अब इसको दिखाते हैं कि डाया 10 है, तो हम सेंटर पे आए 5 mm, तो बार को रिप्रेजेंट कर रहा है 5 mm। हमने ये ले लिया इधर भी, ठीक है, 5 mm हमने ये भी ले लिया, दोनों तरफ हमने ऐसे लेकर, और यहाँ पर क्या दे दिया, हिडन लाइन दिखा दी, ठीक है। यही प्रोसेस हम इधर करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने ऐसे ले लिया, और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 5 mm हम इधर लेंगे, और इसकी जो लेंथ है इन साइड पर है 5 mm। तो ये आ गया 5 mm तक, और इसको हम सिर्फ यहाँ तक रखेंगे, आगे नहीं लेके जाएंगे। यही प्रोसेस हम इधर करेंगे कि यहाँ पर रखेंगे 5 mm इधर रखा, और 5 mm तक नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और इसको इस वाली लाइन तक ज्वाइन करेंगे सिर्फ, ठीक है। रिमेनिंग जो बचा वो है डाया 6। तो डाया 6 जो है उसका 3 mm आ जाएगा इस लाइन पे, ऑलरेडी आ रखा है, और 3 mm आ जाएगा इधर। तो 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, ये आ गया 3 इधर। तो इसको हम ऐसे करवा देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और पता नहीं समझ में भी आएगा नहीं आएगा, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा आपके लिए, और इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये डायग्राम में कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ों पर फोकस रखना है, क्योंकि देखें जब हम इस चीज़ को हिडन में करते हैं, जब यहाँ से देखते हैं, तो वो चीज़ प्रॉपर ये चीज़ दिख जाएगी, और ये चीज़ दिख जाएगी 8 mm बार। तो 8 mm बार ये आ गई है, और ये वाला जो पोर्शन आया हिडन, ये इस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ऐसे। और ये वाला पोर्शन जो आया नीचे का, ये इस हिडन वाले को, इस हिडन वाले को जो अंदर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि छोटे वाले को, डाया 6 को, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों तरफ ऐसे ही करेंगे, अब हम यहां पर रखेंगे, और सेंटर से 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 तक डॉट ले लेंगे, और इसको पूरे को नीचे तक ले आएंगे। तो ये हमारा कुछ ऐसी शेप का दिखाई देगा, ऐसे। मैं ये हिडन में बड़ा बना देता हूं, तो ये भी हिडन में आएगा, तो ये ऐसा दिखाई देगा सेंटर से, ठीक है। क्योंकि एक साइड दिखाई देगी, एक साइड नहीं दिखाई देगी, वो इसमें कवर हो जाती है, ठीक है। ये चीज अब आपको समझ में आ गया, यहां पर हमने ये ऐसा बना दिया, ये आ जाएगा ऐसा। तो यहां पर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करें, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ये चीज आ गई, हमने जो बेस था वो रेडी कर लिया। अब आ जाते हैं हम यहां पर, इसकी बात करते हैं। तो यहां पर हमें सिर्फ ऊपर ऊपर का दिखाई देगा, ये अंदर वाला पोर्शन नहीं दिखाई देगा, ये हमारी हेल्प के लिए है, ताकि इसको हम हिडन में बनाएं। तो चलिए सबसे पहले यहां से यहां तक 7 mm दे रखा है, ठीक है। तो 7 mm ले लेते हैं अंदर की तरफ, ठीक है, 7 mm है, तो हम यहां से लेते हैं 7 mm, या हम सेंटर से 3 mm आगे करके पूरे 10 पे ले सकते हैं, तो ये पूरा 7 mm आ जाएगा। यही प्रोसेस हम सेंटर से लेते हैं, ये चीज आ गई है, और यहां पर हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा सेंटर लाइन ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने बड़ी सी सेंटर लाइन ले ली है। अब यहां पर देखें 6, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, डाया 4, ठीक है, इनके डाया 4 है। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, इनकी लेंथ देखनी है सबसे पहले, लेंथ कितनी गिवन है, तो लेंथ है 15, तो यहां पर दे रखा है 15 mm गिवन है, ठीक है। ये आ गया 15 mm, तो हमें यहां पर 15 पे डॉट लगाना है, और सेम यहां पर भी डॉट लगाना है 15 पे। एक बिल्कुल लाइट लाइन ले लेनी है ऐसे करते हुए, और जैसे कि मैंने बोला कि सेंटर से 10 mm है, सेम यही चीज हम यहां पर लेंगे,
सेंटर से 10 mm हम आगे ले लेते हैं और सेंटर से 10 mm, सेंटर से 10 mm दोनों तरफ ले ली और यहाँ पर एक सेंटर लाइन ले लेंगे और जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 15 15 का आ जाएगा, तो वो एक यहाँ पर आ जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डाया जैसे कि बोला गया 4 का, ठीक है, तो हम यहाँ पर रखते हैं अपने स्केल को और 2 mm लेते हैं इधर 1 2 और 2 mm लेते हैं इधर 1 2, तो ये कुछ इतना आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। और सेम यही प्रोसेस हम यहाँ करेंगे 2 mm 2 mm और इसको ज्वाइन करवा देंगे। तो पहला ये प्लग टाइप का बनेगा, देख लेना आप, ठीक है। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर करेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2 और इसको ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। ये चीज कुछ ऐसी बन गई, यही प्रोसेस यहां आ जाएगा अब, ठीक है, ये चीज आ गई है, ठीक है। अब यहां पर 1 इसके पीछे दूसरा है, यानी कि 1 1 इसके पीछे दूसरा है, 2 इसके पीछे तीसरा है, चौथा है, 3 इसके पीछे, फिर आगे 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे करते हुए यहां पर ये वाला डायग्राम हमारा रेडी हुआ। इसके अंदर थ्रेड दिखानी है। अब थ्रेड दिखाने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका, आप ऐसे थ्रेड दिखा सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जल्दी एग्जाम में अगर आपको अपने नंबर बचाने हैं और काम भी बढ़िया करना है तो आप थ्रेड ऐसे दिखा सकते हैं या या आप थ्रेड ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। रही बात ये नट बोल्ट डालने की, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं नीचे की तरफ, जो पोर्शन है हिडन में जो दिखाना है वो चीज हम दिखाएंगे। 2 mm नीचे है तो यहां पर 2 mm के लिए हम हिडन दिखा देते हैं। यह आ गया 2 mm और ये चीज हमने ये ऐसे बना ली। नीचे का डाया जो है 6 है, 6 by 6, 6 जो है लेंथ है और 6 डाया है, तो यहां पर हम ऐसे करते हैं, ये आ गया 6 पे और यहां पर हम लेंगे ऐसे 1 2 and 3 1 2 and 3 और ऐसे हमने डॉट लगा लिया और इसको हमने इसके कॉर्नर से ज्वाइन करवा दिया, इसके कॉर्नर से ज्वाइन करवा दिया, तो वो हिडन में रहेगा, कुछ ये शेप आ जाएगी हिडन में। डिटो चीज ऐसे बनानी है, ठीक है आपको। अब यही प्रोसेस यहां पर और यहां पर बना लेते हैं हम, चलिए ठीक है बना लेते हैं। तो ऐसे ये 1 2 3 तीनों बन जाएंगे। यहां पर नॉर्मली जो हमारा डायग्राम था ये वाला फ्रंट व्यू जो है वो रेडी हुआ। अब यहां पर बात आती है कि सर हमने ये डालना है या नहीं डालना है। माय डियर, आप चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो इसको यहां पर पुट करते हैं। तो जो चीज हिडन में है वो चीज हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। 4 mm यहां पर आ जाएगा, यानी कि हम यहां पर अगर इसको हम बनाते हैं तो ऊपर से 2 mm छोड़कर ऐसे अंदर की तरफ दिखा देंगे, पूरा का पूरा वो बोल्ट इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि ये जो बोल्ट है ये वाला बोल्ट इसके अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर आ जाएगा, तो देखिए इसकी जो डिस्टेंस है 5 है और इसका जो डिस्टेंस है 4 है, तो 1 mm बिल्कुल ऊपर की तरफ बच जाएगा, तो वो 1 mm हमने यहाँ पर गैप ले लिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है टोटल डिस्टेंस है 18, तो हम 18 ऊपर से नीचे की तरफ लेंगे, यानी कि यहां से, तो यहां से अगर हम 18 लेते हैं तो ये आ गया यहां से 10 और 20, ठीक है, 20 में से 2 कम कर दो, ये आ गया 18 और इसका डाया है नीचे का 6, तो 6 का हम हाफ लेंगे 3 इधर और 3 इधर, तो 3 और 3 और इसको यहां तक प्रॉपर ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। ऐसे करते हुए हम प्रॉपर ज्वाइन करवा देंगे, ये आ गया ज्वाइन और इसके अंदर जो थ्रेड दिखानी है वो दिखा देंगे, सर्कल मास्टर की मदद से ऐसे गोल कर देंगे और यहां पर मैं फ्री हैंड ले रहा हूं बट आप प्रॉपर, आपको स्केल से प्रॉपर लेना है। ऐसे करते हुए हमें यहां पर एक बोल्ट बनाकर दिखा देना है, तो ये आ गया बोल्ट हमारा इसके अंदर, ये समझिए कि बोल्ट इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हमें जो ऊपर का टॉपिक बनाना है वो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर ये हमने बना लिया है 2.5 इधर 2.5 इधर, डाया इसका 5 था तो 2.5 लेंगे इसको हम, ठीक है, ये चीज बन गई। अब हम क्या करते हैं, जितनी भी पॉसिबल लाइन है वो हम ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। ऊपर ले जाने का कारण क्या है कि हम अगर टॉप व्यू ऊपर बना रहे हैं तो वो थर्ड एंगल में बन जाएगा, ठीक है,
ये चीज़ आ गई। इन दोनों के बीच में हम कोई भी गैप रख सकते हैं, गैप की कोई लिमिट नहीं है, इन दोनों के बीच में गैप की कोई लिमिट नहीं है, हम कितना भी रख सकते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं टॉप व्यू के लिए हम क्या क्या हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले 30 होना चाहिए, तो हमने यहाँ से यहाँ तक 30 पे डॉट लगा लिया, सेम यहाँ से यहाँ तक 30 पे डॉट लगा लिया और बहुत प्यार से ये लाइन डार्क कर ली। ये आ गई लाइन डार्क, दोनों तरफ डार्क हो गई है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, जैसे कि हमें ये गिवन था 44 44, यहाँ पर रखा स्केल और 10 20 और 2 22, 10 20 2 22, ये आ गया 22, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइट लाइन ले आओ फिलहाल, क्योंकि इस केस में क्या होता है डायग्राम को हम डायरेक्ट डार्क नहीं करेंगे, ये चीज़ ऐसे आ जाएगी। ठीक है, डायग्राम को हम चेक कर लेते हैं कहीं लाइन हमारी बैंड तो नहीं होती है, तो 10 ये आ गया, हल्की सी लाइन बैंड हुई है, ये चीज़ आ गई। ठीक है, ये प्रॉपर आ गई, अब सीधी, हमेशा लाइन को सीधा ही रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर अब हमें स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हम ये लेंगे, इसका हाफ ले लेते हैं, अभी इस केस में 30 का हाफ 15 और 30 का हाफ 15 और सेंटर लाइन ले लेंगे, जैसे हमने सेंटर लाइन पहले ली थी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, अब लेंगे हम हॉरिजॉन्टल में ऐसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें इस पे काम करना है यहां से। अब जैसे कि ये सेंटर पॉइंट है, यहां से 3 mm हमें एक्स्ट्रा चाहिएगा, 1 2 एंड 3, यहां से हमारा सर्कल बनेगा, हमें नीड होगी कंपास की, हम यहां पर कंपास रखेंगे और कंपास हमारा जो है, ठीक है, कंपास को एडजस्ट करेंगे, कंपास हमारे पास छोटा नहीं था इसलिए हमने पिन थोड़ी बेंड कर ली है और यहां पर रखकर कंपास में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है माय डियर, आपको यहां पर रखकर एक सर्कल बना लेना है ऐसे। ठीक है, ऐसे सेम अपोजिट भी ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ बन गया, थोड़ा सा कंपास की प्रॉब्लम है, अब ये चीज बन गई है। अब यहां पर हमें क्या करना है, इसको रखना है ऐसे हल्का सा, पूरा डार्क नहीं करेंगे, और अगर हमारे पास यहां पर सर्कल मास्टर है तो ठीक है, अदरवाइज हम फ्री हैंड इसको ऐसे ज्वाइन करवा देंगे और कोशिश रहेगी कि बहुत अच्छे से डार्क करवाएंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अब इस सर्कल को हम क्या करेंगे, कंपास की मदद से डार्क कर देंगे ऐसे, मेरे पास कंपास की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम, ऐसे हम बना लेंगे, क्योंकि ये मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ किसी के कहने पर, एक हमारे स्टूडेंट हैं उनके कहने पर बना रहा हूँ, और ये चीज़ आ गई है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ पहली चीज़ रेडी हुई, अब दूसरा जो इसके अंदर सर्कल बनेगा, इसके अंदर बनेंगे दो सर्कल, एक डाया 6 का, एक डाया 4 उसका, एक डाया 10 का, ठीक है, और दूसरा डाया जो बनेगा वो बनेगा 6 का। तो ये सबसे पहले हमने रेडियस ली थी यहाँ से यहाँ तक 8, ठीक है, 8 के बाद यानी कि ये टोटल अगर मैं इसको कवर करूँ तो ये 16 का हो जाएगा, दूसरा इसके अंदर आएगा 5 का रेडियस के साथ, तीसरा आएगा 3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सर्कल बन जाएंगे, वो आप प्रॉपर बना लेना। अब मैं यहाँ पर आपको ये चीज दिखा देता हूं, यहां पर ये चीज आ गई, और ये चीज आ गई, ऐसे करते हुए हमने ये 3 लाइन दे ली, दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए 15 का, यानी कि जो यहां पर बनेगा तो 15 का आधा हो जाएगा इधर। ठीक है, 5 6 7 एंड हाफ, 5 6 7 एंड हाफ, 7.5 7.5 दोनों तरफ इधर इधर। ठीक है, 5 6 7 एंड हाफ, 5 6 7 एंड हाफ। ठीक है, अब यहाँ पर भी सर्कल बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी सारी जगह पे सर्कल बनेंगे। तो चलिए सर्कल में फटाफट आपको बनाकर यहाँ पर दिखा देता हूँ, डाया 6 के सर्कल बनेंगे। ठीक है, ऐसे सर्कल बन जाएंगे, ऐसे ही सर्कल और जगह बन जाएंगे। ठीक है, मेरे पास छोटा सर्कल नहीं है
तो मैं बहुत यूनिक जुगाड़ कर रहा हूँ। आई होप पता नहीं कोई करता भी होगा नहीं करता होगा, ये फ़ोन देखा है मैं, इसका ये डाया जो है मैंने पहले चेक किया तो ये 6 mm का था, और तो मैं यहाँ पर देखो ऐसे जुगाड़ कर रहा हूँ माय डियर। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि वीडियो बनानी पड़ जाती है, बट मैं प्रॉपर लोकेशन पे नहीं हूँ इस टाइम जहाँ पर मुझे ये वीडियो बनानी थी, इसीलिए थोड़ी वीडियो में इतनी गंदगी आ रही है। मैं कहीं आउट ऑफ हूँ, अपने घर से दूर हूँ, इसलिए मैं बस बना रहा हूँ ये उस बच्चे के लिए जिसने मुझे बार बार मैसेज किए हैं, ठीक है। और ऐसे करके ये देखें प्रॉपर आ गए 1 2 3 4 5 6। आई होप किसी ने पहले ऐसा किया होगा, मुझे नहीं लगता इंजीनियरिंग के अंदर शायद किसी ने किया होगा। और ये प्रोसेस के लिए यार वीडियो लाइक करना ज़रूर बनता है, ठीक है, थैंक यू अगर आप लाइक करते हैं वीडियो को। अब यहाँ पर जो है दो डाई बनेंगे, तो 3 वाला जो है मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ये जो छोटे वाला है इसको 3 का है, और मैं इस वाले को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर रखता हूँ और वो बनेगा हमारा ये वाला सर्कल जो कि 6 को रिप्रेजेंट करेगा हाफ ऑफ। उसके बाद मैं इससे बड़े वाले को रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पर, वो जो कि हमें प्रॉपर दिखाई देंगे, ठीक है। ये जो बना है हमारा डाया 10 का है, इसको हम 10 बोलेंगे, इसको हम 6 बोलेंगे, ठीक है। देखो मेरे पास अभी इक्विपमेंट्स नहीं है, मैं बाहर हूँ, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, बट आपको बनाते वक्त याद रखना है बाहर का रेडियस 8 है, अंदर का रेडियस 5 है, उससे अंदर का रेडियस 3 है, ठीक है। मैं यही प्रोसेस फिर यहाँ पर अपना रहा हूँ, 1 2 और ये आ गया 3, तीनों सर्कल हमारे रेडी हो गए। ये हमारा फ्रंट व्यू और ये हमारा टॉप व्यू कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसकी डायमेंशन दिखा देता हूँ, उससे पहले मैं एक बार साइड व्यू भी बना देता हूँ यहाँ पर पूरे का पूरा, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। माय डियर ये फ्रंट व्यू है, ऊपर टॉप व्यू है, और ये है लेफ्ट साइड व्यू, तो ये फ्रंट के लेफ्ट में बनेगा। ये आ गई लाइन, ठीक है, इसके बिल्कुल ठीक सामने ये आ गई लाइन, दोनों गैप बराबर आ गया है, और इनके ठीक सामने ये आ गया गैप, तो ये गैप जो है वो ये गैप डिस्टेंस आ गया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इसको एडजस्ट कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि 30 था, तो यहाँ पर हमने ये डिस्टेंस ले लिया सेम, ऐसे इससे स्टार्ट करना है, 10 20 30, ये आ गया 30, 10 20 30, 10 20 30, 30, बोथ साइड 30 30 ले लिया हमने। यहाँ से ये चीज़ डार्क हो जाएगी, इतना डार्क हो जाएगी, यहाँ से ये चीज़ डार्क हो जाएगी, ये चीज़ डार्क हो जाएगी, ये चीज़ डार्क हो जाएगी। 30 का हम हाफ ले लेंगे यहाँ पर, 15 15, ये आ गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि इसके अंदर हमें यहाँ पर सर्कल बनाने हैं, और ये जो सर्कल यहाँ पर जो डाउट था वो यहाँ पर अब आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम रखते हैं 8 इधर, 8 और 8 दोनों तरफ, ठीक है, वो जो डाउट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, 8 और 8। अब इसको सबसे पहले हम करते हैं डार्क, पहली चीज़ तो ये आ गई, डन। दूसरी चीज़ आ जाती है 5 mm पे हम ऊपर से डॉट लगाएंगे, और डाया जो है 10 का है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 5 mm, इधर हिडन में दिखाएंगे 5 mm, इधर से हिडन में दिखाएंगे, और इसको ऊपर से हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी कि ऐसी दिखाई देगी जस्ट नीचे जो है। अब डाया 6 है और जो लेंथ है वो इसी के अंदर आएगी, तो डाया अगर 6 है तो यहाँ पर 1 2 and 3 लेंगे, 1 2 and 3 लेंगे इधर। अब इसको हम ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है, ये चीज आ गई अब इसकी, तो यहां पर ये चीज बन गई। अब आती है इसके अंदर हम ये डालते हैं, इसके अंदर हम ये पोर्शन को इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो अगर ये चीज पुट करनी है तो हमें पुट करने के लिए सबसे पहले उसकी डिस्टेंस कितना 4 है, तो हमने ऊपर लिया था 5, ये ले लिया 4 पे डॉट, जैसे कि मैंने आपको यहां बताया था, ये ले लिया 4 पे डॉट, और इसको आपस में ज्वाइन करवाएंगे, पर कितने तक, 8 तक, क्योंकि बार वाला उतना था 10 था, तो ये आ गया ऐसे, आ गया। इसके अंदर एक स्लॉट भी बन जाएगा,
ऐसे, जिसमें से हमारा स्क्रू टाइट होगा। दूसरा, इसका जो डाया है, डाया 5 है, इसका डाया 6 था, इसका डाया 5 है, तो 5 है तो क्या करना होगा, 1 2.5 इधर, 1 2 एंड 0.5 इधर, आ गई लाइन, आ गई लाइन। टोटल डिस्टेंस है 18, यहां से ये आ गया 20 और ये आ गया हमारा 18। यही प्रोसेस देखो प्रॉपर आ गया, ज्वाइन किया, फिलहाल मैंने फ्री हैंड लिया, आपको ऐसे करना है। ये चीज आ गई, नीचे का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। रही बात थ्रेड की, थ्रेड्स ऐसे आप दिखा सकते हैं, थ्रेड के लिए कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं है, आप कोई भी एंगल लेकर बनाकर दिखा सकते हैं। ये आ गई थ्रेड यहाँ पर। अब आते हैं हम बात यहाँ की, जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें सिर्फ दो व्यू दिखाई देंगे, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों चीज़ दिखाई देगी। तो इन दोनों का डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है 15, तो यहाँ पर रखेंगे 15 का हाफ लेंगे, 5 6 7 और हाफ, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा 15 है तो इसी के जस्ट ऊपर आ जाएगा, ये 16 है ना, तो इसके बिल्कुल जस्ट बराबर में आएगा, ऐसे बिल्कुल जस्ट बराबर में, ऐसे आ गया ये चीज। अब जैसे ये साइज जो हमने यहां पर लिया था कि डाया इसका 4 है तो 2 इधर 2 इधर, सेम वही चीज यहां पर रखेंगे, 2 इधर 2 इधर, ऐसे लिया और ऊपर से इसको 2 से ऐसे ज्वाइन करवा दिया, ऐसे ज्वाइन करवा दिया। और मैं आपको हमेशा बताते आया हूं कि जब भी आपको थ्रेड दिखानी है, आप दोनों तरीके से थ्रेड दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये भी एक मेथड है थ्रेड दिखाने का। और एक मेथड ये भी है सीधी लाइन दिखाने का, पर एक डायग्राम में आप एक ही तरीके से दिखाएंगे, सारी ऐसी ही होनी चाहिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। बाकी अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो सारी की सारी ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फटाफट इसकी आपको डायमेंशन दिखा देता हूँ, ठीक है, पूरी की पूरी डायमेंशन ये है माय डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर ये डायग्राम कंप्लीट हुआ, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट साइड व्यू, थर्ड एंगल में, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच।